जय सियाराम, जय जय हनुमान। आज के पावन अवसर पर मैं चाहती हूँ आप सभी लोग जय श्री राम और जय बजरंगबली लिखने में कोई भी कंजूसी ना करें। फटाफट लिखना शुरू कर दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, जय श्री राम जय बजरंगबली की। सो आज के दिन देखते हैं, आज के इस पावन अवसर पर क्या कुछ यहाँ पे बजरंगबली आपको मैसेजेस देना चाहते हैं। जिन लोगों ने आपकी लाइफ बर्बाद करने की कोशिश की है, जिन लोगों ने आपको दुख देने की कोशिश की है, देखते हैं आज बजरंगबली आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर के आए हैं, क्या कुछ लिखा है आपके लिए और क्या कुछ लिखा है इन लोगों के लिए आगे आने वाले समय में। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आज आप सभी का दिन बहुत ही शुभ हो, बहुत ही मंगलमय हो। आज आप जो चाहें अपने जीवन में आपको मिले, ओके। सो चलिए इसी बात पर आप सब लोग अपनी मैनिफेस्टेशंस, अपनी विशेज कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप लोग क्या चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। आज कमेंट बॉक्स के अंदर आप सभी का जोश मुझे दिखना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में, क्या कुछ आ रहा है इन लोगों के लिए जिन्होंने आपको तकलीफ दी है। सो एक बहुत ही छोटी सी प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू करूंगी। आप चाहें तो आप भी लिख सकते हैं, दोहरा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो आई एम हैप्पी, हेल्दी, ब्यूटिफुल, स्मार्ट एंड अ पावरफुल पर्सन। I want love, peace, money and success in my life. So all the divine energies, Bajrangbali, universe, angels, please viewers को बताइए क्या कुछ है इनकी लाइफ में, क्या कुछ है इनकी लाइफ में। सो कुछ देखते हैं आपकी energies, पहले चेकआउट करते हैं क्या कुछ आ रहा है आपकी energies के अंदर। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ऑल साइन रीडिंग है, ओके। सो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना आपको रखना है, बाकी का छोड़ देना है। एंड जेंडर वाइज रीडिंग नहीं होती है। सो आप जिस भी जेंडर के हों आप इसको देख सकते हैं, लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ होती हैं, सो पहले तो एनर्जीज़ को ग्रैब करने की कोशिश कीजिए, एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ओके। और ये ऑल साइन रीडिंग है, ठीक है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग्स होती हैं। तो चलिए फर्स्ट कार्ड मैं ओपन करने जा रही हूँ, कनेक्ट हो जाइए कार्ड्स के साथ फटाफट से, शांत कर लीजिए दिल को, शांत कर लीजिए मन को, ओके। तो चलिए फर्स्ट कार्ड यहाँ आया है सेवन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि ऐड हुई है। नेक्स्ट आया है यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड, ओके, ठीक है, हेरोफेंट का कार्ड नेक्स्ट आया है। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पर नेक्स्ट निकल करके, एंड और देख लेते हैं क्या आ रहे हैं कार्ड। द सन, ओके, द सन, एट ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि ऐड हुई है। जो बहुत ही प्रोमिनेंटली आया है वो है टॉरस, वृषभ राशि बहुत ही प्रोमिनेंटली निकल करके यहाँ पर सामने आई है, ओके। टेम्परेंस, सो यहाँ पर सेजिटेरियस, धनु राशि आई है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, डेथ, ओके, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। टेन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो चलिए आपकी एनर्जीज यहाँ पर पहले चेकआउट कर लेते हैं और फिर देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर डिवाइन बताना चाहते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ पास्ट में अगर कनेक्ट करूँ तो आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो आप, ठीक है, आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो एंड ये इनोसेंस ही आपकी स्ट्रेंथ रही है, ठीक है। आपने लाइफ को अपने हिसाब से जिया है, आपके आपने आपकी जो एक प्यारा सा जो आपका दिल है, एक जो स्पिरिचुअल आपका दिल है जो कनेक्टेड रहता है हमेशा डिवाइन के साथ, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा आपने, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया आपने, ठीक है। आप में से कई लोगों ने बचपन से ही स्ट्रगल देखा है, बचपन से ही बहुत बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेली हैं आप में से कई लोगों ने, ठीक है। और ये कई लोग आप में से ऐसे भी हैं जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही हैं कि आपके अपनों की वजह से ही आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ी है, ठीक है, चाहे वो आपके स्कूलिंग टाइम पर हो या फिर आपके घर में हो, आपके रिलेशनशिप में हो। सो यहाँ पर ना आपके चाइल्डहुड से, आपके बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल आपने देखा है एंड आपके आसपास के ही लोग हैं जिन्होंने आपको स्ट्रगल करवाया है, ठीक है। आप मजबूर हो गए बचपन से ही, लाइक शुरू से ही आपने स्ट्रगल देखा है एंड
काफ़ी ज़्यादा मुश्किल समय भी आप लोगों ने देखा है, जिसमें कि आपके खुद के आसपास के लोग इन्वॉल्व रहे हैं, एंड बट उसके बावजूद भी ठीक है आपने स्ट्रगल करना नहीं छोड़ा है, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में मेहनत की है, आपने अपने को जहाँ भी आज पहुँचाया है, ठीक है, बहुत मुश्किलों से आप यहाँ पहुँचे हो, अपनी मेहनत से आप यहाँ पर पहुँचे हो, ठीक है, आपने कभी किसी का साथ नहीं मांगा, आपने हमेशा अपनी मेहनत पर ही विश्वास किया है ना, आप कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे हो, आप सेल्फ डिपेंडेंट इंसान हो, और आपने इनोसेंस का साथ भी कभी नहीं छोड़ा है, किसी के साथ गलत नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया, ठीक है, हमेशा सबके लिए प्यार बरसाया है, हमेशा सबके लिए आपने एफर्ट्स ही डाले हैं, आपने आपके हमेशा से कोशिश रही है कि आपके आसपास जो भी लोग हैं, आपके अपने, आपके घर वाले, चाहे आपके रिश्ते, चाहे आपके रिलेशनशिप्स, जहाँ भी, आपने हमेशा स्ट्रगल ही किया है और आपकी कोशिश भी रही है कहीं ना कहीं इनको सुख पहुँचाने की, इनकी लाइफ में हैप्पीनेस देने की, इनको किसी भी तरीके का दुख ना आ जाए, इनको किसी भी तरीके की तकलीफ़ ना हो जाए, इस तरीके का आपका नेचर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि आपकी लाइफ में ना जो आपके अपने हैं ना स्पेशली, ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशंस में, राइट, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर आपके आसपास के दोस्त हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है, इन लॉज हो सकते हैं, जिन्होंने आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना डिफरेंसेस पैदा करने की कोशिश की है, आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, बहुत ज़्यादा दुख देने की कोशिश की है, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहे हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, दुखी रहे हो, आपने हीलिंग करने की बहुत कोशिश की है, आपका करेज बहुत ज़्यादा डाउन किया गया है, आपकी हिम्मत तोड़ी गई है, आपको दुख देने में इन लोगों ने कोई भी तकलीफ़ नहीं छोड़ी है, चाहे वो आपके पर्सन हो, रिलेटिव्स हो, रिलेशंस में हो, जो भी हो, ठीक है, आपको ऐसा एहसास दिलाया गया है कि आप कुछ भी नहीं, ठीक है, जो कुछ भी गलत अगर हो रहा है या किया जा रहा है या कर रहे हैं, वो सब कुछ आपकी वजह से, सो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम यहाँ पर लगाए गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, दुख दिया गया है, आपकी ज़िंदगी में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आए हैं, क्योंकि धोखा देने वाले लोग, दुख देने वाले लोग आपके अपने ही थे, ठीक है, आपके अपनों ने आपको धोखा दिया है, आपके अपने, आपके खुद के पर्सन ने, आपके खुद के प्यार ने, आपके खुद के पार्टनर ने आपको धोखा दिया है ना, आपको धोखा दे करके ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हैं, ओके, सो यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी, देखो कोई भी हो सकती है, राइट, कोई वाइफ, हस्बैंड, या फिर कोई रिलेशन, या फिर पेरेंट्स, ठीक है, जो भी कुछ है यहाँ पर, जॉब भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है, सो जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं ना, आपको धोखा दे करके गए हैं, आपकी कोई सुनी नहीं उन्होंने, आपकी, आपको फॉर ग्रांटेड, बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड आपको लिया, आपकी ज़िंदगी में जहर घोला, किसी और के कहने पर चले गए, इस चीज़ का एहसास इनको तब नहीं हुआ, लेकिन डेफिनेटली बहुत जल्द इनको इस चीज़ का एहसास होगा, और वो वापस आएंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पहले भी आपकी ज़िंदगी में हुआ, और अब बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अब फिर आपकी ज़िंदगी में होने जा रहा है, ये बिल्कुल बजरंग बली की कृपा आपके ऊपर बहुत जल्द बरसने वाली है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अभी आने वाला है। जिन लोगों ने भी आपको दुख दिया है, जिन लोगों ने भी आपको तकलीफ दी है, उनके कार्मिक्स यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इनके कार्मिक्स यहाँ पर आ रहे हैं, और बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके कार्मिक्स बहुत ज़्यादा इनको बदल के रख देंगे, ठीक है। डिवाइन, आपने कभी स्पिरिचुअलिटी का साथ नहीं छोड़ा है, आपने कभी हिम्मत का साथ नहीं छोड़ा है ना, आपने हमेशा दूसरों का साथ दिया है, आपने हमेशा अपने भगवान का हाथ पकड़ के रखा है, और आप कहीं ना कहीं बहुत डिवाइन सोल हो, ठीक है, आप हमेशा बैलेंस बना के चले हो अपनी लाइफ के अंदर, आपने ज़िंदगी में हर चीज़ को बैलेंस बना करके चला है, कोई भी चीज़ आपने ना किसी के लिए गलत सोची नहीं है, ठीक है, आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, उसके बाद भी लोगों ने इतनी नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में दी है, इतना बदलाव आपकी ज़िंदगी में लेकर के आए हैं ये लोग कि आपको डिप्रेशन का, आपको मतलब आपको इतना बदनाम किया गया है, आपकी भोलेपन का इतना फ़ायदा उठाया है इन लोगों ने, लेकिन उसके बावजूद भी आपने स्पिरिचुअलिटी का साथ नहीं छोड़ा,
आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनते चले गए हो। जितना ही लोगों ने आपको कमज़ोर करने की कोशिश की, जितना ही लोगों ने आपको दुख देने की कोशिश की, उतना ही आप स्पिरिचुअल होते चले गए, उतना ही बजरंग बली ने, डिवाइन ने आपको और स्ट्रांग बना दिया और आप हर किसी से लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी किए गए हो। सो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि ये दुख आपको क्यों दिए गए, ये तकलीफ़ें आपको क्यों दी गई, ये सब इसलिए किया गया क्योंकि आप ना स्पिरिचुअल हो, ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा डिवाइन सोल हो। डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हो, आप डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हो। अगर आज आप लोग बैठे हुए हो यहाँ पर इस रीडिंग को देख रहे हो और बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर बैठे हुए हो, फील कर पा रहे, ठीक है, एनर्जीज को अगर आप फील कर पा रहे हो ना यहाँ पर, सो डेफिनेटली यहाँ पर डिवाइन के ऊपर आपका जो भरोसा है, ठीक है, और जो उन्होंने आपको हिम्मत दी है उसी का नतीजा है जो आप सारे दुख झेल गए हो और स्ट्रांग बन चुके हो। तो यहाँ पर डिवाइन आपके साथ है, ठीक है, हमेशा एंजल की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, आपने हर काम इनकी चाल नाकामयाब की है, तो इनका जो कर्मा आ रहा है ना वो इनको बर्बाद कर देगा। ये लोग आपस में ही पीठ में खंजर घोप देंगे एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे को बर्बाद कर देंगे ये लोग खुद ही, ठीक है। सो ऐसा समय इनकी ज़िंदगी में आने वाला है कि इनकी लाइफ में ये आपस में ही धोखा दे देंगे। ये लोग किसी से मिले हैं, किसी के पास गए हैं, आपके ऊपर नेगेटिविटी इन्होंने छोड़ी है, आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी देने की कोशिश की है, ठीक है। और आप देखो इनोसेंस क्या होता है, आपका जो इनोसेंस रहा है ना वो ये रहा है, इनोसेंट इंसान क्या करता है, इनोसेंट इंसान आसानी से किसी की भी बातों में, किसी के भी प्यारी बातों में आ जाता है। सो इन लोगों ने आपसे प्यारी प्यारी बातें करके आपके लिए अफेक्शन दिखाया कि भई तुम्हारे लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, तो इस तरीके का मुखौटा लगा करके ये आपकी लाइफ में आए हैं और हर तरीके का यहाँ पर आपको नेगेटिविटी देने की कोशिश की है। इन लोगों का ना चेहरा पहचानना आसान नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल आसान नहीं होता क्योंकि ये अपने ही लोग होते हैं और अपने आसपास होते हैं, ठीक है। लेकिन इतनी नेगेटिविटी इन्होंने आपकी ज़िंदगी में दे दी है कि वहाँ से निकलना भी आपके लिए मुश्किल है। ये लड़ाई है जो आपकी ना, ये जो स्ट्रगल है आपकी ज़िंदगी में, मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इनका कर्मा ना इनको खुद को ले डूबेगा, सारी नेगेटिविटी इनके ऊपर बैकफायर हो जाएगी, ठीक है। ये वापस आएंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे, ठीक है, और उसके बाद आपको प्यार सम्मान और रिस्पेक्ट आपको सब वापस मिलेगा, है ना, वो हक मिलेगा जो आपको कभी नहीं मिला। हमेशा आपको बुरा दिखाया गया, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, ठीक है, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज वो ही लोग बुरा वक्त देखेंगे, बहुत बुरा समय उनकी ज़िंदगी में उनको देखना पड़ेगा। आपका तमाशा बनाया है ना, अब इनका तमाशा बनते बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ठीक है। सो आपके ज़ख्म बहुत जल्द भरने वाले हैं और इनके घाव इनको इतना दर्द देंगे, इतना दुख देंगे कि ये लोग खुद इतना परेशान हो जाएंगे, इतनी डिप्रेशन में आ जाएंगे ये लोग कि ये सोच भी नहीं सकते हैं कि इनके साथ ये क्या हुआ और कैसे हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ गाइडेंस आपके लिए ले लेते हैं, आपको क्या करना चाहिए। सो डिवाइन प्लीज़ कुछ गाइडेंस दे दीजिए व्यूअर्स के लिए, इनको क्या करना है। सो आपको तो पहले तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको निराश नहीं होना है, बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। बजरंग बली, आप एंजल्स, आपके गॉड, आपके भगवान आपकी रक्षा करने के लिए आपके ऊपर आपकी कृपा बना उनके उनकी कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी हुई है। सो उस चीज़ के ऊपर भरोसा आपको रखना है। ये जितने भी लोग हैं नेगेटिव, ठीक है, इनकी लाइफ कभी भी सुखी नहीं रहने वाली है, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग, देखो जो भी आपने अभी तक एक्सपीरियंस किया है ना अपनी लाइफ में, या जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, उसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसको अपनी लाइफ में यूज़ करो, ठीक है। जो भी कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है आज तक, ठीक है, उसको एक पॉजिटिव साइड लेके जाओ और उसको यूज़ करो, ठीक है। यहाँ आया नेक्स्ट इनर वॉइस का कार्ड, राइट। इनर वॉइस डेफिनेटली ये बोल रही है आप अपने दिल की आवाज़ सुनो, आप अपने मन की आवाज़ सुनो, आपसे डिवाइन क्या बोल रहे हैं, आपके दिल में क्या आ रहा है, आपको क्या करना चाहिए। तो वो चीज़ आपको इनर वॉइस सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, ठीक है, आपके लिए जो पॉजिटिव है, आपके लिए जो सही है, वही आपको करना है। बर्डन, सो जो ये पास्ट का बोझ आप ढो रहे हो अपने सिर पर,
जो पास्ट की जो बुरी यादें हैं उनका बोझ आप ढो मत, ठीक है, ये बर्डन है, ये जो आपके सिर पे बर्डन है ना इसको उतार दो। आपकी कोई गलती नहीं थी, इन लोगों की नीयत ही ख़राब है, इन लोगों का कर्मा ही ख़राब है और डेफिनेटली ये कर्मा को भुगतेंगे, ठीक है, इनकी असलियत सबके सामने आ जाएगी और ये बहुत ही बुरा समय देखने वाले हैं। सो ये बर्डन उतार दीजिए आप अपने सिर के ऊपर से कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, ठीक है, इन्होंने आपको बहुत परेशान किया है, उस चीज़ का बर्डन, उस चीज़ का बोझ आप उतार नहीं पा रहे हो। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस हो जाइए, ठीक है, अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी खुशियों के लिए कॉन्शियस हो जाइए, ठीक है। ये एहसास लेके आओ अपने दिल के अंदर कि आपकी ज़िंदगी है, आप ही इसको अच्छा और आप ही इसको बुरा बना सकते हो, राइट। तो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी भरने की कोशिश करो, नेगेटिविटी को हटाने की कोशिश करो, बुरे लोगों से अपने कॉर्ड्स काट दो, ठीक है, कॉन्शियस हो जाओ कौन सही है कौन गलत है, कौन मुखौटा लगा करके आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी पे फोकस करना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपनी खुशियों के बारे में सोचना है, अपने करियर के बारे में सोचना है, ठीक है। मैच्योरिटी की जो अंदर आपके अंदर कमी है, ठीक है, उस मैच्योरिटी को आपको और इन्हांस करने की ज़रूरत है, राइट, अपने लिए काम करने की ज़रूरत है। सो मैच्योरिटी लेकर के आइए अपने अंदर, ठीक है। सो डिवाइन का हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ना है, डिवाइन पे भरोसा बना करके आपको रखना है, राइट। जो भी कुछ आपने किया है, जो भी कुछ आपने भुगता है, आपका अच्छा समय शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका बेटर समय शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप थोड़े से सेल्फिश हो जाओ और अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो, और मैच्योर होने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। जो भी इमैच्योरिटी आपके अंदर है, ठीक है, उसी ने कहीं ना कहीं आपको बहुत इनोसेंट बना करके रखा है, बट हाँ अभी तक आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, राइट। सो उस चीज़ को आप यूज़ करो अपने करियर में और आगे बढ़ो। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की गाइडेंस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो अगर आप लोग इस रीडिंग को अभी तक देख रहे हैं तो बजरंग बली का, यूनिवर्स का, गॉड का थैंक यू ज़रूर कीजिएगा, ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा 111, और क्लेम कर दीजिएगा जो भी आपका यहाँ पर क्लेम बन रहा है, राइट। जो भी कार्ड को आप क्लेम करना चाहते हैं ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, आप किसी भी सोशल मीडिया पर जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको देखना है करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या है उनके दिल में आपके लिए, सो आप दूसरा चैनल है हमारा व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ और रीडिंग्स को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।